इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं? दो क्वेश्चन पूछे हैं उसने, है ना। पहला, फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इस पार्ट का आंसर देते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये स्मॉल एटम्स हैं। सेकेंड पीरियड के जितने एटम्स होते हैं उसको स्मॉल गिना जाता है। सेकेंड पीरियड के तो फर्स्ट का ही है, कार्बन नाइट्रोजन सब छोटे एलिमेंट हैं, ठीक है ना। ये ट्रैप हो जाते हैं कहाँ पे? इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। मेटल का एक क्रिस्टल है पूरा, उसके अंदर कुछ वॉइड होंगे, वहां पे ये छोटे एटम ट्रैप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। देखो, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, वेनेडियम, टाइटेनियम, इसके अंदर हाइड्रोजन ट्रैप हुआ हुआ है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने आंसर कर दिया, क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कि एक मेटल का क्रिस्टल है उसमें छोटे एटम जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ट्रैप हो गए, बन गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उसके एग्जांपल हमने दे दिया आंसर। सेकंड पार्ट, ट्रांजिशन मेटल्स वो क्यों फॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, सच कंपाउंड्स आर वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैव वॉइड्स। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन मेटल, उनमें खाली जगह होती है, विच आर लार्ज इनफ टू अकोमोडेट स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो उस खाली जगह, वो खाली जगह इतनी बड़ी होती है कि उसमें छोटे एटम अकोमोडेट हो जाते हैं, ठीक है।